I will speak in Hindi. But it's difficult for me to speak Hindi. Somebody can translate into English for you. I can understand Hindi, no problem. Thank you. तो ये जो कथा है चैतन्य चरितामृत की, तो इसमें भगवान चैतन्य अपने आचरण से जीवों को सिखा रहे हैं, अपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। तो पयार संख्या 39 में और 38 में अद्वैत आचार्य जब कहते हैं कि मेरे घर में आप भोजन करिए, तो कहते हैं आज मोर घरे भिक्षा चल मोर बास। तो मेरे घर में आपकी भिक्षा है, और भिक्षा का मतलब है रूखा सूखा भोजन, मतलब अच्छा भोजन नहीं मेरे घर में। तो भगवान चूँकि बड़े कठोर सन्यासी हैं, तो इसलिए वे जो है वो रुचि नहीं दिखाते हैं कि बहुत अच्छा भोजन है तो मैं खाऊं और मैं चलूं आपके घर में। हम लोग यही सोचते हैं ना भाई, किसी घर में जाएं कितना अच्छा प्रसाद मिलेगा, कितना बढ़िया अच्छे व्यंजन मिलेंगे। तो भगवान चैतन्य बड़े कठोर सन्यासी हैं, तो इस बात से जो है वो किसी घर में नहीं जाते हैं कि बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा। तो भगवान तो अद्वैत आचार्य जानते हैं इनकी मनोभावना, तो वो कहते हैं आज मोरे घरे भिक्षा चले मोरे वास, आप मेरे घर में आइए, आपकी भिक्षा है मेरे घर में। एक मुष्टि अन्न मोई करी आछो पाक, एक मुट्ठी मैंने जो है भात तैयार किया है, एक मुट्ठी चावल ज़्यादा नहीं है। आप कितना बनाया है वो नहीं बता रहे हैं, कहते हैं एक मुट्ठी चावल मैंने बनाया है और सूखा रूखा व्यंजन, और रूखा सूखा कुछ और भी व्यंजन है, कुछ सूप है और सब्जी है, मतलब बहुत वेराइटी नहीं है, जबकि बहुत वेराइटी बनाई बनाएंगे। लेकिन भगवान को इस प्रकार से, कि सन्यासी हैं भगवान, बड़े जो है मतलब विरक्त हैं, तो इस प्रकार से बता करके आए। अब भगवान जो है चैतन्य चूँकि सन्यासी हैं, तो यहाँ पर कहा है कि प्रसाद देखिए प्रभु आनंद अंतरे, प्रसाद देख करके अंदर से भगवान को बहुत आनंद हुआ। लेकिन आनंद हुआ तो वो आनंद हम लोगों जैसा नहीं, हम लोग देखते हैं प्रसाद मैं खाऊंगा। तो इस प्रकार से आनंद नहीं हुआ, उन्होंने आनंद उनको आनंद हुआ किस बात से कि प्रसाद देखिए कि भगवान को जो है कितना अच्छा स्वादिष्ट है भोग बना है, है ना। तो निजेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा बाले तार प्रेम, ऐसा कुछ है ना। तो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति हुई है, तो ये देख करके भगवान जो है बड़े प्रसन्न हुए कि कितना अच्छा जो है, कितनी वैरायटी का। और जबकि केले के पत्तों में जो दो जगह जो रखा था, तो वो जो है कृष्ण को अर्पित नहीं हुआ था, वो चैतन्य और नित्यानंद ग्रहण करेंगे। अद्वैतचार्य की यही भावना है कि कृष्ण को जो भोग लगा है वो धातु की थाली में भोग लगाया है, और केले के पत्तों में चैतन्य और नित्यानंद ग्रहण करेंगे, और वे जो है साक्षात भगवान हैं, तो इसलिए उनको जो है प्रसाद देने की जरूरत नहीं, उनको तो भोग ही देना है। तो भगवान लेकिन वो जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो भगवान समझे सबको जो है ये कृष्ण को ही अर्पित हुआ है, तो ये देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए। और आगे चल करके फिर वो यही कहते हैं इसमें से मुझे थोड़ी तरकारी और चावल दे देना, मतलब जैसे भिक्षु होता है, भिक्षु है ना, तो भिक्षा के लिए जो है कुछ मांग रहा है, कुछ है थोड़ा सा जो है वो अल्प कण है वो प्रसाद के कण। तो भगवान चैतन्य जो है अपनी अपने आचरण से इस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि मतलब हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मतलब मैं ये खाऊँ मैं वो खाऊँ, है ना, ये कितना स्वादिष्ट है। तो ये जो है मतलब भावना है कि वे जो है अपने को भोक्ता नहीं समझ रहे हैं, तो कृष्ण ही भोक्ता हैं, है ना, ये शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को कि कृष्ण ही भोक्ता हैं। तो कृष्ण को सबसे अच्छा भोजन मतलब वो भगवान को अच्छा भोग, अच्छे से अच्छा भोग लगे, और हमें जो है थोड़ा सा रूखा सूखा मिल जाए। लेकिन फिर कृष्ण देते हैं, तो महाराज ने ऐसे ही बताया ये था माम प्रबद्धते अंत तथ भजाम। तो भक्त लोग बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं, लेकिन सोचते यही हैं कि हमें कृष्ण को देना है चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो स्वादोन्न तृप्तान। तो बहुत स्वादिष्ट चार प्रकार का जो है भगवत प्रसाद है ना, तो ये जो है होना चाहिए भगवान के लिए, हैं स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान। और जो हरिभक्त हैं तो जब तृप्त हो जाते हैं उससे कृत्यव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु महाराज जो है इससे प्रसन्न होते हैं कि भक्त लोग जो है तृप्त हो गए।
तो भगवान चैतन्य भी जो है भक्तों को तृप्त करना चाहते हैं। जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो सब भक्त के हृदय की अंदर की रुचि जानते हैं, तो भक्त नहीं मांगते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं इनको ये दो, इनको ये दो, इन भक्त इस भक्त को, तो जानते हैं हृदय के अंदर इसको ये अच्छा लगता है, तो स्वयं आदेश देते हैं परोसने वाले को, इनको जो है ये दो, इनको ये दो, और मेरे लिए थोड़ा पीठा पाना, थोड़ा जो है साधारण है कुछ जो है मुझे दो। तो भगवान जो है इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि हमारे जो है खाने में वो लोलोपता नहीं होना चाहिए, हैं कि हम एकदम मतलब भोजन के लोलोप हैं, हैं तो हम जो है मतलब उच्छिष्ट जो भगवान का उच्छिष्ट है वो खाएं, और भक्तों के बाद जो है हम ग्रहण करें, भक्तों को प्रसाद सर्व करें, प्रसाद प्रदान करें, इस प्रकार की चेतना हमारी होनी चाहिए। तो भगवान अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। So remember,